अब्राहम स्थान से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। एक है रजस की एनर्जी, तमस की एनर्जी और सत्व की एनर्जी। सीधा दिख रहा है? ठीक है। रजस की एनर्जी होती है चलने वाली, संवेग वाली, यह है जड़ता से संबंधित ठहराव वाली एनर्जी है। और यह है सत्व, मतलब बैलेंस वाली एनर्जी। संतुलित करने वाली एनर्जी सत्व जो होती है। देखिए वास्तु क्या करता है, एक प्लॉट है, प्लॉट है, ठहरा हुआ है, तमस की एनर्जी में है। इसमें हमने जब कंस्ट्रक्शन चालू किया, चार दीवार दिए और कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम इसको एक्टिवेट करने गए कि हे देवता तुम मेरे जीवन में आ रहे हो, भूमि का टुकड़ा उसको आपने जब एक्टिवेट किया कि आप मेरे जीवन में आ रहे हैं, आप मेरे लिए फलिए फूलिए, ये सारी चीजें आपने किया वहां पर, तो वहां उसका जीवन एक्टिवेट हुआ। उसमें जो जीवन एक्टिवेट होता है ना, तमस मतलब मृत्यु, शंकर, तमस अगर तीनों देवता में लेंगे तो ये शिव हो गए, रजस ये ब्रह्म हो गए और सत्व ये विष्णु हो गए। तीन देवता में इस तरह से लेंगे रजस तमस सत्व को। ये जो ठहरे हुए हैं ये शिव हो गए, जब हमने इसको एक्टिवेट किया ब्रह्म को तो रजस एनर्जी दी हमने इसको गति में लाने के लिए, रजस एनर्जी दे रहे हैं अब हम इसमें। ये रज एनर्जी ब्रह्म हो गए, इसलिए अगर ब्रह्म स्थान आपका एक्टिवेटेड नहीं है, ब्रह्म स्थान आपका चौक हुआ पड़ा है, ब्रह्म स्थान से किसी जगह पे एनर्जी नहीं जा पा रही है, तो आपकी रज की एनर्जी नहीं हो रही, वो दिशा एक्टिवेटेड नहीं है, वो दिशा एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ब्रह्म स्थान ये रोल करता है आपके जीवन में। ये रज की एनर्जी हो गई और इसके बाद हम सभी दिशाओं को लेकर, पंच तत्व को लेकर बैलेंस करते हैं। हम वास्तव में क्या करते हैं, पंच तत्व से बैलेंस करते हैं। जो बैलेंस वाली एनर्जी, ओवरऑल बैलेंस वाली एनर्जी जो आती है वो आ जाती है सत्व की, हम सत्व की तरफ एनर्जी को ले जाते हैं, हम बैलेंस करते हैं, हम ये विष्णु बनाते हैं, हम यहां पर विष्णु को पैदा करते हैं। और विष्णु को पैदा करने के बाद जहां पर विष्णु रहते हैं वहीं लक्ष्मी माता आती है। आपने हमेशा देखा होगा लक्ष्मी रहती वहीं पर है जहां विष्णु रहे। अगर सात्विक एनर्जी हो घर के अंदर, सत्व ठीक से पैदा हुआ हो, सत्व ठीक से रहा हो, तो वहीं पर लक्ष्मी माता रहती है, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी शक्ति है, सिद्धि है पूरी तरह से। ये ब्रह्म स्थान हमारे लिए ये मायने रखता है। रजस तमस सत्व को हम ब्रह्म स्थान से इस तरह से मिला सकते हैं। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान हो तो आप कहीं से किसी को मिला लो और उसको उस हिसाब से एक्टिव, ये तो एक्चुअल है, कहीं से किसी को मिला के लो ये तो एक्चुअल है। इस एक पद का नाम रखते हैं सकल दिया है इन्होंने। इसमें भानु, जल, चंद्र, यम, ये इसके चारों दिशाओं के मालिक होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं। एक पद को सकल बोलते हैं। इसी तरह से पद का अगर आप विन्यास, पूरे पद के विन्यास पे जाएंगे, 81 पद में एक एक पद के विन्यास पे जाएंगे, तो आपको इसी तरह से अलग अलग देव मिलते जाएंगे। जब आप इससे एक्चुअल में आचार्य करते हैं, वो नहीं आप लोग जो कर लेते हैं वो वाला नहीं, एक्चुअल में करते हैं, तो आपको इस हिसाब से ले जाया जाता है, एक एक पद में कौन कौन से देव चारों तरफ कैसे रहते हैं, फिर उसका वर्णन कैसे किया जाएगा, ये ऐसे होता है। जिस तरह से ज्योतिष में होता है 27 नक्षत्र और सारी चीजों का वर्णन होता है, लंबा शास्त्र है, उसी तरह से ये भी लंबा शास्त्र है, ऐसे ले जाते हैं इसको।
एक पद के ये देव हो गए, दो पद को दो इंटू दो मतलब चार पद वाले हो गए। इस तरह से 32 तक होते हैं, इसको पद विन्यास ऐसे निकालता है, मतलब चार पद हो गया। अब इसमें मैं आपको तीन तक बताऊंगा, क्योंकि तीन तक में थोड़ी जानकारी है आपके लिए, वो जानकारी अच्छी रहेगी। अब ये पद विन्यास ऐसे हो गया टू इंटू टू वाला, इसी तरह से एट इंटू एट वाला 64 पद का जो होता है ना, और हमारे हमारे काम का जो होता है वो 8 इंटू एट वाला और 9 पद, 81 पद वाला, 9 इंटू 9 वाला, 8 इंटू 8 वाला, उसमें ब्रह्म स्थान कहां पर होता है, कितने पदों में होता है वो हम निकालते हैं। इसका फिर इसी तरह से आप करेंगे, आपका ये हो गया भानु जल चंद्र यम। अब इसमें और चार दिशाएं बढ़ जाती हैं पद विन्यास में, आप यहां पर शिव ले लो, ईश ले लो इसको, ईश अग्नि गगन नाम है यहां पर, और पवन नाम है। ये तो टू बाय टू टू इंटू टू वाले में हो गया। इसकी आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं और आप लोग भूल जाएंगे। थ्री वाले में भी, थ्री वाले में पृथ्वी आ गया, नौ पदमंडल का जो होता है उसमें पृथ्वी आ गया। एक जो बनता है ना, एक जो सकल जो बता रहा था मैं, पहला वाला, एक वाले की जरूरत होती है जब कर्म कांड होता है। ये सभी कर्मकांडी पद विन्यास है, कर्म कांड के रूप में, जब श्राद्ध में पिंड आप देखोगे, पिंड देते टाइम में कर्म कांड के लिए जो लिखा जाता है, कभी गुरु पूजा के टाइम में इसका एक वाले का उसकी जरूरत होती है। कर्मकांड आप लोग इतना जानते नहीं होंगे, अगर कोई कर्मकांडी होंगे तो वो सारी चीजें जानते होंगे, उसके लिए इन चीजों की आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती। आपको जो जरूरत होती है वो 7 से शुरू होती है, 7 × 7 49 पद में जो शुरू होता है इसको स्तंडिल बोलते हैं, स्तंडिल ये बोलते हैं। ये होता है जीर्णोद्धार भूमि के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए होता है ये। जीर्ण पड़ी हुई भूमि जो होती है, मतलब खराब भूमि होती है। जीर्ण का मतलब समझिए, जीर्ण क्या है, जरा जीर्ण जो बोलते हैं ना हम लोग, जीर्ण शीर्ण है ये, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई भूमि जो होती है, शूद्र भूमि जो होती है। आप यहां भी जाओ, ये जीर्णोद्धार करने के लिए है। जो भूमि ऐसी है जो खंडहर बना दे रहने वालों को, खंडहर कर दे, उस टाइप की भूमि पे आप ये टाइप का मकान बनाओ। इसमें भी अलग अलग विन्यास है, इसका ब्रह्म कैसे निकालें और सारी चीजें जब आपको पता चल जाए उसके बाद बनाओ। मैं इस वाले ब्रह्म के लिए नहीं आया हूं आज बताने के लिए, मैं आपको केवल जो हम लोग रहते हैं नगर कॉलोनी घर इसका बताने के लिए आया हूं, जो है 8x8 64 पद में जो भूमि होती है इसको, और 81 पद में जो भूमि होती है इसमें ब्रह्म स्थान कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। 64 पद वाली लीजिए, इसको मंडूक बोलते हैं, ये अगर कभी आप पूरा कॉलोनी काटो, कॉलोनी काटते हैं फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के लिए जो कॉलोनी बनती है एक, जैसे आप भावना एस्टेट बोलते हैं, तो ये बड़ी सी जो भूमि आप काटते हैं उसके अंदर मकान बनाते हैं उसके लिए तो 81 पद वाला आता है। जब आप एक सोसाइटी काटते हैं, पूरा का पूरा एक कॉलोनी बनाते हैं, नगर बनाते हैं, गांव बनाते हैं, गांव कहने का मतलब उस टाइम में छोटे छोटे गांव बनते थे, बहुत बड़े नहीं बनते थे, और उसका इस हिसाब से बनाया जाता था। राजभवन बनाते हैं या राज मंदिर बनाते हैं उसका इस टाइप से बनाया जाता था, बड़े महल बनाते हैं तब इस टाइप से बनाया जाता था। 81 पद में जो हम घर बनाते हैं उसका बनाया जाता है, और अभी
कोई इसका अगर जवाब हो सकता है तो मैं आपको जवाब यहीं से दूंगा, इसके आगे जो शास्त्र अपडेट हुआ है वहां से नहीं दूंगा। एक है एल शेप की भूमि कैसे होती है, उसके लिए ब्रह्म, आप टिके रहिए, ब्रह्म स्थान कैसे चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया था उन्होंने, मगर फिर उन्होंने उस पर एक क्वेश्चन कर दिया तो वो चुप हो गए, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। मनीष बैंकर जी थे। देखिए अभी हम 64 पद में बनाए,